हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि इस पैंडमिक कंडीशंस में आप लोग अपने घर पर ही होंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप सब सुरक्षित होंगे। तो हम यही मनोकामना करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे। हाँ, इस लॉकडाउन पीरियड में सभी हर एक चीज़ की बंदी चल रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी पढ़ाई को बिल्कुल भी रुकना नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले थे अपना सेकंड टॉपिक जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि बच्चों, इसके पहले की जो टॉपिक्स थी उन टॉपिक्स में मैंने आपको ये समझा दिया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। ओके, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी थी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बात क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब एक ऐसा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जिनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन और गैमेट्स का फ्यूज़न होने के बाद ही एक नए न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होता है। नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे अभी हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग आराम आराम से हर एक चीज़ समझेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी समझा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे, उनमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जिनमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। मतलब इनमें टू पेरेंट्स की नेसेसिटी क्या है, जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द टू पेरेंट्स आर टू गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज ऑल्सो टेक प्लेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस एंड दिस प्रोसेस या दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है कि देखिए गैमेट्स, देखिए यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैमेट फॉर्मेशन, देखिए टू इंडिविजुअल सेक्सेस होते हैं। आपको पता है कि जो आपके सेक्सेस होते हैं वो टू होते हैं। पहला जो होता है आपका क्या होता है, मेल, और दूसरा क्या होता है आपका, फीमेल। तो अगर ह्यूमन के केसेस में अगर देखा जाए तो ह्यूमन के केसेस में देखिए जो मेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं कौन सा, आपका स्पर्म्स होते हैं। ओके, और वहीं पर अगर फीमेल गैमेट्स की बात करें तो यहाँ पर फीमेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके ओवम होते हैं। मतलब अगर ह्यूमन के केसेस में देखा जाए तो जो मेल सेक्स गैमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। वहीं पर जो फीमेल सेक्स और सेल्स होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। तो देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर निकल के आ रहा है जो कि है सिनगैमी। सिनगैमी यहाँ पर है आपका। देखिए बच्चों, सिनगैमी क्या होता है कि सिनगैमी जो होता है जब मेल एंड फीमेल, जब दोनों सेक्सेस, जब सेक्स सेल्स जो होती हैं, जब दोनों आपस में फ्यूज करती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। ओके, जब आपको पता होना चाहिए कि इसी में हम लोग पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब दोनों आपस में मिलती हैं तो उससे क्या होता है, हमारा उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब दोनों सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों सेल्स के मिलने से एक डिप्लॉयड, आपको मैंने पहले भी चीज़ें बता दिया है कि जितने भी गैमेट्स होते हैं ये सभी हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड कहने का मतलब क्या हो गया है कि जैसे आपका कोई सिंगल सेल है, कोई कोशिका है, मान लीजिए कोई सेल है, अब इस सेल में कुल मिला के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। मान लेते हैं कि इनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पर इस सेल को हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड सेल्स, जिसको डिप्लॉयड को हम लोग दिखाते हैं टू जन से, क्लियर। वही पे हैप्लॉयड सेल्स क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे ही एक और सेल है, लेकिन इस सेल में आपके जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे वो होंगे 23, इज क्लियर।
कितने होंगे, 23 होंगे। तो यहाँ पर इस सेल को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यन से। ओके, जो डिप्लॉयड सेल होते हैं उन्हें हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लॉयड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 2n से, और वहीं पर जो आपके हैप्लॉयड सेल्स होते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं यन से। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बात होता है कि देखिए होता क्या है कि जैसे कि आपका यहाँ पर एक कोई आपका सेल है, मान लीजिए ये मेल सेल है, मतलब मेल सेक्स सेल है, जैसे मान लीजिए आपका स्पर्म हो गया। यहाँ पर क्या है, एक आपका फीमेल सेक्स सेल है, और इस फीमेल सेक्स क्या बोलते हैं हम लोग, ओवम बोलते हैं। बिल्कुल सही, आपने सही समझा है, ओवम बोलते हैं। ये दोनों जो है वो दोनों हैप्लॉयड है, मतलब कि दोनों में क्रोमोसोम नंबर जो है वो कैसे कैसे हैं, आधे आधे हैं। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों सेल्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। अब आपको पता है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल फीमेल सेक्स सेल्स या गैमेट्स आर आल्सो नोन एज द फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब ये जब दोनों सेल्स आपस में फर्टिलाइज्ड की हैं तो इसके बाद क्या होता है कि एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, इस नए सेल्स जो होती हैं, यह आपसे क्वेश्चन है कि क्या यह आपका यन होगा या फिर 2n होगा, मतलब कि यह हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आपका नया जो सेल बना हुआ है ये होगा आपका डिप्लॉइड, क्योंकि दोनों जो गैमेट्स थे वो दोनों गैमेट्स कैसे थे, हैप्लॉइड थे। दोनों गैमेट सेल्स आपके हैप्लॉइड थे, तो इसीलिए दोनों मिलने के बाद ये क्या हो गया, आपका जो सेल फॉर्म हुआ ये क्या होगा, आपका डिप्लॉइड हो जाएगा। तो जो ये सेल फॉर्मेशन हुआ है, इस सेल का नाम क्या होगा, इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट बोलते हैं। क्लियर हुआ, चलो ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तो देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक समझ में अगर आ रहे होंगे। अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो वो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो बच्चों नीचे देखिए क्या है कि फेज इन लाइफ साइकिल, मतलब कि किसी भी ह्यूमंस के, यहाँ पर देखिए ह्यूमंस की ही बात हो रही है। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमंस के केसेस में। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अब ह्यूमंस के केसेस में जो आपकी लाइफ साइकिल, मतलब कि जीवन काल जो होता है, जीवन चक्र जो होता है, इनमें कौन कौन सी फेजेस आते हैं, मतलब कौन कौन सी अवस्थाएं इनमें आती हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एक सीधी सी बात यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया गया है कि लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 फेज, नेमली मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में आपके पूरे लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस आते हैं, और इन 3 स्टेजेस का नाम क्या है। पहला देखिए स्टेज है जोनाइल स्टेज, जोनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसन फेज। देखिए बच्चों एग्ज़ाम के लिए ये तीनों में से एक आपका पूछा ही जाता है एक नंबर में। ओके, एक नंबर के क्वेश्चंस देखिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, मतलब कि कहीं से भी उठा के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस यही से छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको याद रखना है और उसी हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मैं ऐसे रफली मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, मैं रफली आप लोग को बता दूं कि फेजेस में कौन कौन से फेजेस होते हैं और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर इनमें से अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। देखिए सबसे पहला है जोनाइल फेज। देखिए आपको मैंने बताया है कि जो जोनाइल फेज होता है इसको एक नाम से और जाना जा सकता है, जिसका नाम होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब इस स्टेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के प्री स्टेज में होता है, मतलब कि वो अपने रिप्रोडक्शन करने के प्रोसेस में वो अपनी पहली अवस्था में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जोनाइल फेज बोलते हैं। ओके, इस स्टेज में देखिए क्या क्या चीज़ें इस स्टेज में देखी जाती हैं। इस स्टेज में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर क्या होते हैं कि आपके बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्लांट्स में देखिए इसे हम लोग वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। वेजिटेटिव फेज में क्या होता है कि इसमें आपके जो और जो प्लांट्स होते हैं उनमें बॉडी में बहुत तरह तरह के चेंजेस आने लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, तो परेशान मत होइए, तबीयत मेरी भी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेजिटेटिव फेज़ होते हैं, ये वेजिटेटिव फेज़ में
आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी में बहुत तरह तरह की चेंजेस इसमें देखने को मिलती हैं। देखो बच्चों, सीधी सीधी सी बात, अगर 100 बात की एक बात अगर हम समझा दें आप लोगों को कि जोनाइल फेज क्या होते हैं, कि जोनाइल फेज देखिए प्री रिप्रोडक्टिव फेज, देखिए नाम में ही क्लियर है। देखो बच्चों, अगर कोई टॉपिक अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ पर उस वर्ड को तोड़ दीजिए। अगर उस वर्ड को तोड़ देंगे तो उस वर्ड का मतलब आपको अपने आप खुद ब खुद मिल जाएगा। ओके, जैसे देखिए प्री, प्री मतलब होता है पहले का, रिप्रोडक्टिव मतलब कि रिप्रोडक्शन करने का, एंड फेज, फेज मतलब होता है अवस्था या फिर पीरियड मतलब होता है समय। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन करने की पहले की जो स्टेज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज या फिर जोनाइल फेज भी कहते हैं। ओके, अपने नेक्स्ट भी नेक्स्ट फेज पे आते हैं जो कि है रिप्रोडक्टिव फेज। देखो बच्चों बहुत इजी है, रिप्रोडक्टिव फेज को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं। जैसे जोनाइल फेज को हम एक स्टेज से जानते थे जो कि क्या था, प्री रिप्रोडक्टिव फेज था, वैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज को भी हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम आप लोगों ने क्लास 8th में जरूर पढ़ा होगा, और उसका नाम है एडोलेसेंस या फिर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेजेस में क्या होते हैं, देखो बच्चों मैं आपको ऐसे ओपनली मैं समझा रहा हूँ आपको कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होते हैं, कि रिप्रोडक्टिव फेज में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होने लगता है वो पूरी तरीके से मैच्योर फॉर्म में होने लगते हैं। एक कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है तो वो अपने वो रिप्रोडक्शन करने की प्रोसेस में कैपेबल है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है, मोनोकॉर्पी लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि सेक्सुअली देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कम से कम आपके 2 टाइप्स के होते हैं जो कि है मोनोकॉर्पिक एंड पॉलीकॉर्पिक। ओके, देखिए सीधी सी बात क्या है, मोनोकॉर्पिक जो कि एक बार फलते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि केले हो गए, मटर हो गया और चना हो गया, तो ये सब प्लांट्स कैसे होते हैं, मोनोकॉर्पिक होते हैं, मतलब एक बार फलते हैं उसके बाद इनका पूरा लाइफ साइकिल ख़त्म। लेकिन पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक जो होते हैं वो एक बार नहीं कम से कम 1000 बार फरते हैं, मतलब 100 बार, 100 से ऊपर ही बार फरते हैं, जैसे कि आपका आम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया। तो इन सब चीज़ों में ये जो प्लांट्स होंगे ये कैसे होंगे, आपके पॉलीकार्पिक होंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर हम आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर सीखिए क्या लिखा है, सीजनल ब्रीडर। अगर देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या जाना, अभी हम लोगों ने प्लांट में जाना कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन के जो फेजेस होते हैं इनमें क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं कि सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूस ब्रीडर, दो आपके अगर एनिमल्स को अगर हम बांटेंगे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके सीजन के बेसिस पे, सीजन मतलब उनके सीजन के बेसिस पे अगर समय अवधि के बारे में अगर हम लोग उनको बांटेंगे तो भी हम एनिमल्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके बच्चों, जैसे पहला है सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं कि ये जो आपके ब्रीडर्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, सीजनल ब्रीडर क्या होती हैं कि सीजनल ब्रीडर वो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी सीजन में ही, एक पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। ओके, जैसे डॉग हो गया, जैसे डॉग क्या होते हैं, डॉग हमेशा ज़्यादातर ब्रीड करते हैं विंटर सीजन में। ओके, आपके जो लिजार्ड्स हो गए वो कब ब्रीड करते हैं, आपके समर सीजन में। तो वैसे ही बात जानते रहिएगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अगर वो किसी पार्टिकुलर सीजन या समय में अगर वो ब्रीड करता है, ब्रीड मतलब कि रिप्रोडक्शन करता है, तो ऐसे एनिमल को हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। ओके बच्चों, लेकिन वहीं पर कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर कैसे होते हैं, ठीक, कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर होते हैं वो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि साल के किसी भी समय भी क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो साल के किसी भी अंदर ब्रीड कर सके, किसी भी समय ब्रीड कर सकते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्या कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे हनी बी क्वीन, जैसे हनी बी जो मधुमक्खी की रानी होती है वो भी क्या है, अपनी कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर होती है। पोल्ट्री मतलब जितने भी पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं जैसे कि बत्तख, मुर्गी और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, आपके कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर में आते हैं, रैबिट, माइस, कैटल एट्सेट्रा। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। देखो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि जो रिप्रोडक्शन जो होते हैं, मतलब किसी भी आपके ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में 3 स्टेजेस आती है। पहला क्या था, जोनाइल फेज, मतलब उस स्टेज में क्या था कि रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था थी। सेकंड मैंने बताया रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि जिस समय क्या होता था, आपका ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते थे। एंड थर्ड जो है वो आपका होता है सेंसेंट फेज,
मतलब ये स्टेज क्या होता है कि ऐसा स्टेज होता है कि जब जो ऐसा स्टेज होता है जो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है, मतलब इस स्टेज में आदमी जो कोई भी आपका ह्यूमन बींग्स होंगे, कोई भी आपका ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो उस समय ब्रीड करने की मतलब कि रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी को खो चुका होगा। तो ऐसे स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेंसेंट फेज कहते हैं। देखिए सेंसेंट का मतलब ही होता है एजिंग, मतलब कि उम्र हो जाना। ओके बच्चों, इन द बिगनिंग इन इट बिगिन फ्रॉम द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेज होता है यह आपके रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ही स्टार्ट होता है। द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड सेंसेंस। क्लियर, मतलब कि इस स्टेज में क्या होते हैं कि कोई भी आपकी चीज़ें होती हैं, मतलब जो आपके कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो एज हो जाती है, जिससे कि उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम अपने चैप्टर के एंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियो की जो लेंथ है वो भी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, जिससे कि बच्चों की आपका ये चैप्टर जल्द से जल्द ख़त्म हो पाए और हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ओके बच्चों, लेकिन यहाँ पर बात मैं आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ रखा हूँ कि आप लोगों का जो वीडियो, आप लोग जो अभी तक ये पूरा फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ चुके हैं, इनका टेस्ट जो है मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है कि मैं इस टेस्ट को दूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं इस पहले चैप्टर की, उसको पूरा देखिए और समझिए। अगर उसमें कहीं भी आपको डाउट्स हो रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिए। तीन लोग हज़ार हज़ार रुपए देकर वेदांतु अन अकेडमी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ख़राब है, सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो आपके पेड प्रमोशंस होती हैं, मतलब कि आप वहाँ पे पैसा देने के बाद ही वहाँ पे आप क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन बच्चों आपके यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन बस आपको उन पे रेगुलर आपको बने रहना है। ओके बच्चों, तो हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्या है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, मैं आपको ये जो टॉपिक होंगे पूरी चीज़ें मैं आपको GRB बुक से पढ़ा रहा हूँ। GRB आर के पिल्ले द्वारा लिखी गई है, बुक बहुत अच्छी बुक है और इस बुक के द्वारा मैं भी पढ़ा हूँ। मैं भी फ़िलहाल इसमें मेरा BSc MSc BEd कम्प्लीट हो चुका है मेरा, तो मैं भी मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस मेरी 6 साल की है। तो बच्चों देखिए बात क्या है कि आपको ये बुक जो है कि आपको नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपके छोटे छोटे टॉपिक्स भी इसमें बहुत ही अच्छे डिटेल करके दिए रहते हैं। ओके ठीक है बच्चों, तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो कि क्या होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है तो उनमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि उनमें देखने को मिलते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दो स्टेज में रखता हूँ। मान लीजिए आपको फर्टिलाइजेशन का तो मतलब पता है आपको, फर्टिलाइजेशन का तो मतलब पता है कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखो हम बहुत ही ईजी वे में बहुत अच्छी चीज़ हम कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन के पहले की जो स्टेज है, भाई फर्टिलाइजेशन के पहले जो स्टेजेस हुई वो और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टेजेस हुई वो दोनों को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमको ये समझने में थोड़ा सा क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी, जिससे कि हम आराम से इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री मतलब आप लोग जानते रहिएगा, प्री मतलब होता है पहले का। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेजेस कौन कौन सी हो गई, तो उनमें कौन कौन सी स्टेजेस हो गई, जैसे कि देखिए आपका गैमेटोजेनेसिस हो गया। ओके, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या क्या है आपकी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, फिर यहाँ पर देखिए गैमेट ट्रांसफर, कि गैमेट जो होते हैं वो ट्रांसफर किस तरह से होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पर जो होता है, अब आता है हमारा क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं आपकी, जैसे होती हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इसके बाद देखिए कुछ इनके स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिए गए हैं जो कि सेक्सुअल एसेक्सुअल फॉर्म को मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे पार्थिनोजेनेसिस हुआ, पीडोजेनेसिस हुआ, नियोटेनी हुआ, पॉलीएम्ब्रियोनी।
तो यहाँ पर आपका ये जो भी चैप्टर है वो आपका क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो बच्चों जो आपका ये आपका अगला जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो भी अगला वीडियो है तो वो भी आपका वीडियो एकदम अच्छे से आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि आपका यही जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है, ये आपको थर्ड चैप्टर में भी फिर से पढ़ने को मिलेंगी, तो इसीलिए आप लोग उसको ज़रा सा भी मिस मत कीजिएगा। तो बच्चों तबीयत थोड़ी नहीं सही है, तो इसीलिए मैं अभी वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। और साथ ही साथ आप लोग अपने टेस्ट के लिए रेडी हो जाइएगा, क्योंकि जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा उस दिन से ही मैं आपका टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूँगा, ओके। तो आपके लिए एम्पलीट्यूड टेस्ट अलग अलग तरह से आएंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच अपना प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।